और साथ ही अमित शाह की आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। राजस्थान के शेष 9 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा और कभी भी आपको बता दें प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। 7 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। बाड़मेर और नागौर सीट पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई। दौसा में किरोड़ी मीणा का विरोध अब काम आया और हुडला परिवार को एक बड़ा झटका यहाँ लगा है। हुडला के परिवार को कोई टिकट नहीं मिलने की संभावना है और कांग्रेस सूची का भी इंतजार है भाजपा को, ताकि उसी के आधार पर अपनी रणनीति बना सके भाजपा। लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से अपने स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और देर रात तक जहां कांग्रेस की लिस्ट निकलकर बाहर आ जाएगी, वहीं अमित शाह के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी शुरू हो चुकी है और इसी के तहत राजस्थान के शेष 9 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। चूंकि 7 सीटों पर भाजपा में सहमति बन चुकी है, लेकिन बाड़मेर और नागौर सीट पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई। दौसा में किरोड़ी मीणा का विरोध काम आया और एक तरफ हुडला परिवार को भी यहां बड़ा झटका लगा, क्योंकि हुडला परिवार के किसी भी सदस्य को कोई टिकट मिलता नजर नहीं आ रहा। और इसी खबर पर एक बार फिर से अपडेट देने के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर मौजूद है। प्रीत, भाजपा कोर कमेटी की बैठक अब जारी हो चुकी है और क्या संशय है, क्या आज 9 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा? देखिए, भाजपा कोर कमेटी की बैठक शाम 7 बजे होनी भी जरूरी थी, लेकिन क्योंकि अमित शाह अभी दिल्ली में नहीं पहुंच पाए हैं, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 9 बजे तक उनके दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, उसके बाद एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो देर रात ही बैठक हो सकती है। और ऐसे में जो 9 बची हुई सीटें हैं 16 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद, तो देर रात हो सकता है उस पर चर्चा हो, या फिर हो सकता है कि कल सुबह जो है एक बार फिर से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को समय दिया जाए और कल सुबह ये बैठक हो। तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से, जो है अमित शाह की तरफ से समय नहीं मिला है कोर कमेटी के तमाम सदस्यों को, इसलिए उन बैठक को लेके अभी जो है एक पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं आ पाई है। जी प्रीत किरण, जिससे शाम से लगातार ये खबर आ रही थी कि 7 बजे बैठक शुरू होगी, कहीं ये देरी इस वजह से तो नहीं कि भाजपा को कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो और उसके बाद अपनी उम्मीदवारों की घोषणा करें? जी बिल्कुल, पहली सूची जिस तरीके से कांग्रेस इंतजार कर रही थी भाजपा का, और इसी तरीके से अब जो 9 उम्मीदवार हैं बाकी के, उनका जो है इंतजार अब भाजपा कर रही है कि कांग्रेस किस तरीके की रणनीति अपनाती है, खासतौर पे नागौर और जहाँ जहाँ पे भाजपा जैसे के जो कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीति को देखकर भी भाजपा एक अच्छे कैंडिडेट को उतारने की कोशिश में है। हालांकि एक जिस तरीके से अब पैनल में नाम जो सुझाए गए थे, उसके बाद उन जो उम्मीदवारों को लेकर के कैंडिडेट्स को लेकर के अमित शाह ने अपना खुद का एक सर्वे कराया भाजपा की ओर से, तो ऐसे में जो सर्वे था और जो कैंडिडेट्स का नाम सुझाया गया था कोर कमेटी की ओर से, दोनों में कहीं ना कहीं अंतर पाया गया। यही वजह है कि जो भाजपा की जो कोर कमेटी की पिछली बैठक में जो है सहमति नहीं बन पाई थी, अब ऐसे में एक बार फिर से बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक के बाद ही एक अंतिम फैसले पर अमित शाह पहुंचेंगे। प्रीत, क्या शेष 9 सीटों में से 7 सीटों पर सहमति बन चुकी है भाजपा की कि किन उम्मीदवार को और कौन से जगह से उतारना है, लेकिन क्या बाड़मेर और नागौर पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, अभी तक सहमति नहीं बन पाई, आखिर क्या कारण है? देखिए, बाड़मेर से हमेशा से मानविंदर सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं, ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से और उनके खिलाफ किस को उतारा जाए, ये एक भाजपा के लिए विचार करने वाला जो है इस समय मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस अब मानविंदर सिंह को वहां से टिकट दे सकती है। ऐसे में कांग्रेस के जो है उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा है। वही नागौर, जहां से सीआर चौधरी चुनाव लड़े थे और ऐसे वो मंत्री भी है, कद्दावर नेता है, लेकिन भाजपा के सर्वे के रिपोर्ट के आधार पे उनको जो है पिछली बार उनका टिकट जो है रोक लिया गया, तमाम मंत्रियों को जो है दोबारा से टिकट दी गई, दोबारा से उन पर भरोसा जताया गया, लेकिन अभी सीआर चौधरी को लेके अभी भी फिलहाल
साथ अटकी हुई है। इसी वजह से एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी, बैठक में फिर से जिस तरीके से अमित शाह के सर्वे हैं उनसे मिलान किया जाएगा और फिर जो है एक अंतिम फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही उम्मीदवारों की सूची जो है जारी होगी ज्योति। हालांकि बैठक का समय जो है अमित शाह की ओर से अभी तक किया नहीं गया है। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लगातार हमें दोनों पार्टियों की इन खबरों पर अपडेट करते रहिए कि कौन सी लिस्ट कब जारी होगी। और आपको बता दें, भाजपा कोर कमेटी की बैठक अब देर रात शुरू हो सकती है।